हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखिए, अभी तक जितने भी टाइप के हमने हिस्ट्री और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सारी चीज़ें पढ़ा, तो उसमें जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, ठीक है, सम मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम थे या जो पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उसमें क्या था कि जो यूज़र था वो कंप्यूटर से या हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता था कमांड्स देके, तो उसको उसको कहलाते थे CLI सिस्टम। मतलब CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब जो उसके बाद जब डेवलपमेंट हुआ, तो जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो GUI इंटरफेस पे काम करते हैं। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर यूज़ किया होगा, आपने जैसे डॉस प्रॉम्प्ट देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा तो आप देख लीजिए। जैसे प्रॉम्प्ट आ रहा है, सपोज कीजिए ये डॉस प्रॉम्प्ट आ रहा है, ये कर्सर ब्लिक कर रहा है, तो कोई भी काम कराने के लिए हमको कमांड देना। जैसे हम मान लीजिए हमें प्रिंट करना है, कोई फाइल प्रिंट करनी है F1 नाम की, तो हम इस पे सपोज कीजिए हमने लिखा प्रिंट और F1, ठीक है, या हमने कहा कि कोई फाइल हमको ओपन करनी है, तो हमने कहा कि ओपन F1। मतलब जो भी हमको काम कराना है उसके लिए हमको कमांड देना होगा, तो इस तरह के इंटरफेस को बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक, इसकी जगह जब फर्दर डेवलपमेंट हुआ, जो ज़्यादा मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आए, उसमें कमांड लाइन इंटरफेस की जगह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ किया गया। इसमें क्या था GUI में, इसमें आपको कमांड टाइप करने की बजाय आपको कोई भी जो ग्राफिकल यूज़र डिवाइस है, जैसे आपका माउस है, जॉयस्टिक है, और भी जो ग्राफिकल यूज़र वाली जो इनपुट डिवाइसेस है, उससे आप उस जैसे मान लीजिए आपको से आपने कहा कि हमें ये प्रिंट करना है, तो मान लीजिए मीनू में यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ, सपोज कीजिए यहाँ लिखा है प्रिंट, तो आप माउस को यहाँ ले जाते हैं, क्लिक कर देते हैं, ठीक, तो प्रिंट होता है। ओपन करनी है आपको फाइल, आपका ओपन मीनू यहाँ पे है, ओपन, आप माउस को यहाँ ले जाते हैं, क्लिक कर देते हैं, ओपन हो जाता है। तो इस तरह के इंटरफेस को जो कहते हैं वो कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये पुराने ज़माने में या अर्लियर डेज में या अभी भी आज की डेट में कई मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ होता है। तो एक ये बेसिक डिफरेंस है पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में और नए ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ होता था और नए ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो कुछ अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, तो मान लीजिए हम पहले पर्सनल कंप्यूटर के लिए बात करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो PC हम लोग जानते हैं। ठीक, अब पर्सनल कंप्यूटर में जैसे कितने तरह के, जैसे एक तो होता है आपका IBM PC कंपैटिबल। ठीक है, तो ये इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं, इनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, और स्मॉलर यूनिक्स वेरिएंट्स लाइक लिनक्स एंड BSD, और मल्टी यूजर के लिए जो यूनिक्स के स्मॉलर वेरिएंट हैं, जैसे लिनक्स हो गया या BSD हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। फिर अगर हम एप्पल कंप्यूटर की बात करें, एप्पल मैसिंटोश, ये जो कंप्यूटर होते हैं इनकी अगर हम बात करें, तो इनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो तो एक तो आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, मैक OS X। ठीक, उसके बाद विंडोज़ हो गया। ठीक है, फिर आपका लिनक्स हो गया, और फिर आपका BSD हो गया। उसके बाद अगर हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, सारे कंप्यूटर के बारे में हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में
डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए कई, देर आर नंबर ऑफ, यू कैन से नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। अपना हर मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, और कभी कभी क्या होता है कि लिनक्स भी यूज हो जाता है मेन फ्रेम पे, और यूनिक्स के, और यूनिक्स भी क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स के अदर वेरिएंट भी यूज होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, ठीक। उसके बाद जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, या आप कह सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है, उसमें क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम में कि इसमें डेडिकेटेड ऑपरेटिंग, कोई आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम के लिए डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ में लिमिटेड वर्जन ऑफ, लिमिटेड वर्जन ऑफ लिनक्स और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होते हैं, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वैसे तो देखिए बहुत मतलब वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल इन दीज डेज, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर अवेलेबल, ठीक है, लेकिन जो जो मोस्ट पॉपुलर है, द मोस्ट कॉमन इज द माइक्रोसॉफ्ट सूट ऑफ वर्क स्टेशन, इट हैज द एबिलिटी टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए कॉरपोरेट डोमेन। लेकिन जो मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसको आप कह सकते हैं मोस्ट कॉमन जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको मालूम है कि बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर बनाने की, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो सूट है, सूट मतलब उसमें जो डिफरेंट तरह के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं वो सारे सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। उसमें कुछ के हम आपको नाम लिखवा देते हैं, जैसे आपका क्या है, विंडोज, एक्सपी, प्रोफेशनल एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है आपका विंडोज एक्सपी होम एडिशन, विंडोज एक्सपी होम एडिशन हो गया। फिर है आपका विंडोज 2000, विंडोज 2000 हो गया, फिर विंडो एमई, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आज की डेट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले डेवलप किए गए और अब इस समय ये लगभग जो है मार्केट से बाहर आए, ये क्योंकि ये उससे आगे हम लोग आ चुके हैं। विंडोज फिर 98 डेवलप किया गया, उसके बाद नेटवर्किंग को ध्यान में रखते हुए विंडोज एनटी डेवलप किया गया, फिर विंडोज 95 डेवलप हुआ, ठीक। और अपार्ट फ्रॉम दीज ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, कई जगहों पे आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, कई जगहों पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, दे आर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपके एप्पल कंप्यूटर पे एप्पल, मैसिंटोश कंप्यूटर पे उनके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है। और इस पे क्या है कि जिसके जो रीसेंट वर्जन है, जो रीसेंट वर्जन है वो जनरली बेस्ड है किस पे, यूनिक्स पे, ठीक है, एंड इट हैज़ ए गुड ग्राफिकल इंटरफेस, सो इट इज़ बोथ स्टेबल एंड इजी टू लर्न। तो ये जो रीसेंट वर्जन है यूनिक्स के, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड इंटरफेस एंड दे आर मोर स्टेबल एंड इजी टू लर्न, बट इनके साथ एक जो दिक्कत रहती है वो ये कि ये जो है दे कैन रन, दे रन ओनली ऑन एप्पल कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसके साथ, ये आपके आईबीएम पीसी और इन पे नहीं रन करेंगे, ये केवल एप्पल कंप्यूटर पे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं। तो ये तो बेसिक कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए आपके कि जो मॉडर्न डेज में, या जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उसके बाद देखिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम
कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, उसको कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। तो देखिए पहला इसमें क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि माइक्रो कर्नेल आर्किटेक्चर। आप खाली ये जान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि डीप में जाना वो आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा, उसको उतना डीप हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। माइक्रो कर्नेल आर्किटेक्चर ठीक है। सेकंड क्या है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग। थर्ड क्या है, थ्रेड। फोर्थ प्रोसेस। फिफ्थ सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। सिक्स क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सेवेंथ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसपे बेस करके हम बता सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम खराब है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की। और अगर इस लेक्चर के बारे में कोई भी कुछ और चीज़ आपको पूछनी है, कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।